हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 12 सितंबर के जो टेलीग्राम पे हमने क्वेश्चंस डाले थे उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और यही क्वेश्चंस हमने यूट्यूब पर भी डाले थे, यूट्यूब कम्युनिटी पे, तो वहाँ भी जाके देखेंगे तो आप ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए इनके एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल। इसका पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, इट एडजुकेट डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग कमीशन अपॉइंटमेंट्स एनरोलमेंट्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि इसकी अपील्स जो है केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकती है क्या। तो पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट अगर आप गौर से देखें तो करेक्ट इसमें सेकंड स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये जानने से पहले इसके बारे में डिटेल से एक बार समझ लेते हैं। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल 2019 में आया था, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के तहत। करता क्या है ये, डिस्प्यूट्स एडजुकेट करता है। किसके रिगार्डिंग, जो अपनी आर्मी नेवी और एयरफोर्स है उनकी इनरोलमेंट अपॉइंटमेंट और कमीशन की रिगार्ड। एक चीज़ यहाँ पर याद रखने लायक है और मैं आशा करता हूँ कि आप याद रखेंगे भी, इट डज नॉट इंक्लूड्स पैरामिलिट्री फोर्सेज। पैरामिलिट्री फोर्सेज आर आउटसाइड इट्स पावर्स। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेज उसका कोई जुडिक्शन नहीं। पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे आपकी असम राइफल्स है जो न्यूज़ में थी अभी, असम राइफल्स और को इंडियन कोस्ट गार्ड। देखिए, असम राइफल्स भी काफ़ी न्यूज़ में, तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ऑपरेशनल कंट्रोल जिसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे असम राइफल्स के बारे में। अभी समझिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स को एडजुकेट ये नहीं कर सकता, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ गलत हो जाता है। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन था और फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे फिल्म्स के लिए, अगर आपने ट्रिब्यूनल पढ़ रखा हो तो। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसकी अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकती है, और वो बिल्कुल सत्य है। हाई कोर्ट इज़ नॉट अलाउड टू टेक द अपील्स। अपील्स केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जाती है इसकी, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, कुछ और बातें बता देता हूँ, ये क्रिमिनल कोर्ट है एक तरीके से। ठीक है, ये क्रिमिनल कोर्ट है। अच्छा, एक बात और कि उसमें ना हर बेंच में एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी रहता है, जुडिशियल मेंबर भी रहता है, ध्यान रखना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स फॉर लॉन्च्ड बाय ट्राइफेड। देखिए, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है और काफ़ी ट्राइफेड न्यूज़ में है, तो मैं आशा करता हूँ कि ट्राइफेड के बारे में आप काफ़ी जानकारी रखेंगे अपने पास। ये तीन स्कीम्स इसकी हैं, इसको रख लीजिए। ट्राइफूड स्कीम, टैक फॉर ट्राइवल्स, वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता योजना। वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता योजना, ये नाम से पता चल रहा है कोविड 19 के दौरान आई होगी एक दूसरे सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए। ट्राइफूड स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और ट्राइफेड मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। टैक फॉर ट्राइबल्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ट्राइफेड मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। तीनों के तीनों स्कीम्स ट्राइफेड ने लॉन्च की थी, और जब हम देखते कितने बच्चों ने सही किया तो केवल आधे बच्चों ने ही सही किया। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन काफ़ी ईजी था और आगे फ्यूचर में आप ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जिन्होंने सही किया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी याद रखें, ट्राइफेड के द्वारा कई स्कीम्स आई हैं, टैक फॉर ट्राइवल्स, ट्राइफूड स्कीम। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना कि जो MSP आता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, जो MSP आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको रिकमेंड कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और नॉर्मली जो वेजिटेबल्स होती है उनके लिए कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये अनाउंस करता है। ठीक है, रिकमेंडेशन किसकी जाती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड कोस्ट की। अनाउंस कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, किसकी कंसल्टेशन के साथ, ट्राइफेड कंसल्टेशन के साथ। नहीं समझ आया तो मैं रिवाइज करवा दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी इतना याद रखिए कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की MSP मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करती है ट्राइफेड के साथ मिलकर, और ट्राइफेड की जो कुछ स्कीम्स हैं जो आपके सामने ऑप्शन में दे रखी हैं, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर सबमिटेड टू प्रेसिडेंट बाय CAG। CAG कौन कौन सी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है। देखिए, CAG के बारे में पॉलिटी में आप पढ़ते रहिए, ये चीज़ें नॉर्मल है, कौन कौन सी रिपोर्ट सबमिट करता है, और काफ़ी सही क्वेश्चन था, उसको सही किया 55% लोगों ने, सही है, ईजी क्वेश्चन था और बच्चों को सही करना चाहिए था। खैर, रिवाइज करते रहिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था और इसको सही किया है केवल 33% लोगों ने। कि देखिए, समझते हैं, बोधिसत्वा हु अचीव्ड कंप्लीट इनलाइटमेंट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल बींग्स इज कॉल्ड एज। अब एक बात समझिए, सबसे पहले तो बुद्धिज्म के बारे में आप सब लोगों को बेसिक पता ही होगा। महायाना बुद्धिज्म बाद में आया, पहले हीनायाना था। हीनायाना के अंदर बुद्धा थे, अपने सिंबल थे, इमेजेस नहीं होती थी, प्रकृति का यूज होता था। हीनायाना की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
हीनायाना में बुद्धिज्म अपने बुद्धा होते थे, सिंबल होते थे, और फिर उसके बाद आया महायाना बुद्धिज्म, उसमें इमेजेस यूज़ होने लग गई, संस्कृत का प्रयोग होने लग गया, और कनिष्क का नाम भी जुड़ा हुआ है महायाना बुद्धिज्म के साथ। एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है जानने के लिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो ये है कि बोधिसत्वा महायाना बुद्धिज्म में निकल के, बोधिसत्वा वो लोग होते हैं, वो मॉन्क्स होते हैं या वो प्राणी होते हैं जो इनलाइटमेंट की ओर जा रहे हैं, दे डिडंट अचीव्ड इनलाइटमेंट येट, इनलाइटमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि बुद्धा इनलाइटमेंट जब हुए थे, जब जो हीना याना की अगर मैं बात करूँ, जो सबसे ओल्ड स्कूल था बुद्धिज्म का, उसमें वो खुद की इनलाइटमेंट पे पहले ध्यान रखते थे कि पहले खुद को मुक्ति दिलाएंगे हम, ठीक है, पहले खुद हम निर्वाणा प्राप्त करेंगे, पहले खुद हम इनलाइटमेंट होंगे। लेकिन महायाना बुद्धिज्म जो आया उसमें बोधिसत्वा जो थे, जो इनलाइटमेंट की ओर जाना चाहते थे, वो सबको इनलाइटमेंट की ओर लेके जाना चाहते थे, सबका ख्याल रखते थे, ठीक है, वो सबको साथ में लेके जो है इनलाइटमेंट प्राप्त करना चाहते थे फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल बीइंग्स ऑन अर्थ। एक बात समझने लायक है यहाँ पे कि बोधिसत्वा को सक्षम सम्यक्षम बुद्धा भी कहते हैं, तो ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, नितिन सिंघानिया में कोई मिल जाएगा, और नितिन सिंघानिया के टेस्ट भी हमारे पास है, बाकी सब्जेक्ट्स के भी है बहुत ही चीप प्राइसेस में, आप देख सकते हैं, कल हमने काफ़ी सारे डिस्काउंट्स अनाउंस किए थे, बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाएंगे। अभी इतना समझिए कि बोधिसत्वा को सम्यक्षम बुद्धा भी कहते थे, डिटेल में पढ़ते हैं ऑप्शंस को, बुद्धा को सक्यमुनि भी कहते थे और तथागत भी कहते थे। बुद्धा को जो हीनायाना जो स्कूल के थे, हमारे ओरिजिनल जो बुद्धा है, वो सक्यमुनि और तथागत कहते थे। कश्यप बुद्धा जो एक ऑप्शन में है उसके बारे में समझिए, कश्यप बुद्धा बुद्धा के प्रेडिसर माने जाते हैं, तो बुद्धा के सक्सेसर कौन हुए, मैत्रेया, ठीक है, मैत्रेया बुद्धा के प्रेडिसर कौन थे, कश्यप बुद्धा, सक्सेसर कौन हुए, बोलो, मैत्रेया, सक्यमुनि और तथागत, ये बुद्धा के ही नाम है, बुद्धा को ही कहते हैं, और सक्यम शुद्धा मैंने बता, सम्यक्षम बुद्धा मैंने बता ही दिया, बोधिसत्वा कहते थे, और बोधिसत्वा कौन से स्कूल से हैं, क्या करते थे, क्या ऑब्जेक्टिव था, डिफरेंस क्या था ही नया से, मैंने आपको बता दिया है। फिर भी नहीं समझ में आओ तो बुक्स में जाके रिवाइज करिए, और कुछ नया मत पढ़िए, जो बुक है उसको ही रिवाइज करते रहिए, बेसिक नॉलेज के साथ एग्जाम देंगे और शांति से देंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ज़रूर ज़रूर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मेरी यही आशा है। चूज़ करेक्ट ऑप्शन अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पॉलिटी का पार्ट है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है इसके रिगार्डिंग लक्ष्मीकांत पे, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइजर एज वेल एज पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, हाँ यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, मिनिस्टर्स भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अटॉर्नी जनरल अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के लिए काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन गवर्नमेंट के लिए काम करता है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां सरकार इसको बुलाएगी, खास करके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, पूरे देश भर में कहीं भी ये जा सकते हैं, हाई कोर्ट्स देश भर में जितने भी हैं वहां पे ये जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं केंद्र सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूनियन गवर्नमेंट को। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होता है स्टेट के लिए, और स्टेट में कोई भी कोर्ट में वो जा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझ आ गया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़िए, आर्टिकल भी याद रखिए, ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, ऑफ कोर्स ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, सो ऑल थ्री स्टेट्समैन आर करेक्ट, एंड 64% लोगों ने ही करेक्ट किया है, तो अच्छी मेजोरिटी से करेक्ट हुआ है, मैं चाहता था ऐसा ही हो। अगला पढ़ते हैं, अगला थोड़ा टफ है, ध्यान से पढ़िए, चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन, और पूरे साल भर न्यूज़ में था, चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन अबाउट JK's पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जेके का पब्लिक सेफ्टी एक्ट न्यूज़ में था, तो इसके तहत क्या ये प्रावधान है पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इंट्रोड्यूस्ड एज अ टफ लॉ टू प्रिवेंट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म इन द वैली। देखिए पहली नज़र में, पहली मर्तबा प्राइम फेसिया आप जब आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा सही नज़र आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर आपने पढ़े होंगे इस एक्ट में तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि टिम्बल की स्मगलिंग रोकना है, टू चेक एंड प्रिवेंट द स्मगलिंग ऑफ टिम्बर, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर दूसरा स्टेटमेंट पढ़े हम, इट अलाउज फॉर डिटेंशन विदाउट ट्रायल, यस इट्स करेक्ट, ट्रायल के बिना डिटेंशन हो सकता है 2 साल तक, ठीक है। तीसरा है, कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है माइनर और मेजर ऑफेंस के बीच में। देखिए इसका मतलब क्या, मेजर ऑफेंस होता है कि भयानक जुर्म कर दिए, माइनर है कोई कम जुर्म किया जिसके हिसाब से कम सज़ा मिली, 1 साल की 6 महीने की डिटेंशन कर ली। हालांकि इसमें ये डिफाइन नहीं है कि मेजर ऑफेंस क्या है और माइनर ऑफेंस क्या है, सरकार अपनी डिस्क्रिशन से कुछ भी बता सकती है कि हाँ ये मेजर ऑफेंस है और ये माइनर ऑफेंस है, ठीक है। हालांकि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर का जो यहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं वो तो मेंशन्ड है,
कि अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा पहुंचाते हो तो 2 साल की सजा मिलेगी, और पब्लिक ऑर्डर को खतरा पहुंचाते हो तो 1 साल की मिलेगी। पर ऐसा क्या करोगे आप, कैसे पता चलेगा कि इस आपकी इस करतूत की वजह से, इसकी वजह से ये वाला जो चीज़ है इसको खतरे में पहुंचे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट खतरे में पहुंची है कि पब्लिक ऑर्डर खतरे में पहुंची है? ऐसा क्या करोगे आप? ऑफेंसेस कौन से, एक्ट कौन से, एक्टिविटीज़ कौन सी है? कुछ यहाँ पे क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। हाँ, केवल एक चीज़ बता रखिए कि अगर हम सरकार को लगा कि आपने जो है इस तरीके का काम किया है, तो सरकार अपनी मर्जी से सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में खतरा बता सकती है, पब्लिक ऑर्डर में खतरा बता सकती है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप ऐसी क्या एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से आपको ये सजा मिल सकती है। सरकार अपनी डिस्क्रिप्शन से चूज़ कर सकती है, तो देर इज़ नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन। दूसरी बात, ऐसे जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, ओनली, इमीडिएटली, क्लियर कट, ड्रास्टिकली, इन पर थोड़ा फोकस करके चलिए। हमेशा ये सही, हमेशा गलत नहीं होते, पर मोस्टली गलत होते हैं। और जिन क्वेश्चन में आपको नहीं पता होता, उनमें ये जरूर जरूर आप एक बार सोच के देखिए कि ओनली, ड्रामेटिकली, इमीडिएटली वर्ड्स को थोड़ा फोकस करके चलिए। इफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर अंडर द एक्ट इज क्वेश्चन्ड बाय द कोर्ट, देन द गवर्नमेंट कैन नॉट पास अनदर डिटेंशन ऑर्डर अंडर द एक्ट। एक बार सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर कर दिया किसी को, मान लो गिरफ्तार करने के लिए, कोर्ट के पास गया मैटर और कोर्ट ने इसको क्वेश्चन कर दिया, तो गवर्नमेंट जो है, अच्छा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास जा सकता है। तो सर, कोर्ट ने मान लो क्वेश्चन कर दिया इसे, तो उसके बावजूद वापस सरकार इस ऑर्डर को ला सकती है और वापस कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है, फिर वापस उस ऑर्डर ला सकती है, फिर वापस क्वेश्चन कर सकती है। कुल मिला के गेम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट के अलावा कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। 15% लोगों ने इसको सही किया 844 बच्चों में से, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान रखिए, आगे पढ़ते रहिए। ये हमारे कुछ फीडबैक्स हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। द स्टूडेंट इज़ एसोसिएटेड, ये हमारे कुछ फीडबैक्स हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अनमैंड समर्सिबल हाइडू किससे रिलेटेड है? चाइना से रिलेटेड, ठीक है। ये पढ़ने लायक क्वेश्चन है। चूज़ करेक्ट ऑप्शन अबाउट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। पहला ऑप्शन, इस प्लान में, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में पहला, इसमें जो प्लान है उसमें 102 नॉन अटेंडमेंट सिटीज़ हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने। अब एक बात समझिए कि नॉन अटेंडमेंट सिटीज़ कितनी है, 102। ये बात तो सही है, ये बात गलत है ही नहीं। नॉन अटेंडमेंट सिटीज़ कौन सी होती है? जिन सिटीज़ ने अपना जो पोल्यूशन रोकने का कार्यक्रम ढंग से सफल नहीं किया, या जो रोक नहीं पाई हैं, जिनमें पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, जो पैमाने हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनके उनसे ऊपर वो जाते ही जा रहे हैं और काफ़ी जो है हालत ख़राब होती जा रही है, ग्रेड उनकी सही नहीं आ रही है। इनको गेम यहाँ था कि जब मैंने ये लिखा आइडेंटिफाई बाय द इन्वायरमेंट पोल्यूशन अथॉरिटी, देखिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी को ये आइडेंटिफाई नहीं करती है सिटीज़ को। एयर के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए यहाँ पे अपने CPCB का जिम्मा है पूरा का पूरा। तो कभी भी एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन में बात आ जाए तो CPCB को दिमाग में रखिएगा, और खास करके एयर प्रोग्राम्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये सब CPCB के जरिए आते हैं, ये सब CPCB जो है इसका जिम्मा है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, इज द फर्स्ट एवर अफोर्ट इन द कंट्री टू फ्रेम अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट विद अ टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट। हाँ, टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट के साथ ये जो है लॉन्च हुआ है, 2019 में लॉन्च हुआ था ये, और 2017 का 20 है यहाँ पे। 2024 तक हमको PM2.5 और PM2.10 में शायद 20% या 30% रिडक्शन करना है, 20-30% के बीच में हमको रिडक्शन करना है, किसमें? PM2.5 और PM2.10 में, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 2.10 में। बेस ईयर क्या है? 2017, यानी 2017 का लेवल लेके 2024 तक हमको 20-30% PM2.5 और PM2.10 ख़त्म करना है। ये याद रखिएगा, ये टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट ही तो है, पहली बार लॉन्च किया, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। 21% लोगों ने सही किया है, करीब करीब 1000 लोगों ने इसको सोल्व किया, फिर भी ध्यान रखिएगा ऐसी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। चूज़ करेक्ट ऑप्शन अबाउट इंडियन गौर, गौर भैंसा, बिसोन, सर्च कर लेना इंडियन बिसोन, भैंसा नज़र आ जाएगा गूगल पे। तो इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन इन द वर्ल्ड, ट्रू। गौर आर ग्रासलैंड स्पेशलिस्ट एंड देयर मेन फूड इज ग्रास, ट्रू। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के नेटिव है, ट्रू। तीनों स्टेटमेंट ट्रू है।
इंडियन गोर वल्नरेबल है और शेड्यूल फर्स्ट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पढ़ते रहिएगा एनवायरनमेंट के एनिमल्स के बारे में, जैसे जो जो चिड़िया कुत्ते बिल्ली न्यूज़ में आ रहे हैं उनके आईयूसीएन स्टेटस पढ़िए, उनके जो हैबिटेट है वो पढ़िए, और मेंस के लिए उनके जो डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहे हैं, कैसे उनका हैबिटेट चले जा रहे हैं, क्या थ्रीट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, ये पढ़ते रहिए। तो प्रेम्स के लिए वल्नरेबल आईयूसीएन स्टेटस आपको याद होना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थे, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों जो है ज़्यादा शक करने की आदत पड़ गई, तो यहाँ पे 14% लोगों ने ही जो है इसको सही किया है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, गलत कुछ भी नहीं है। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सब हो जाएगा, ठीक है। तादोबा आंध्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। तो इसमें आंध्री का मतलब क्या है? देखिए, आंध्री जो है वो नदी है, नदी है जो मेंडरिंग शेप, मेंडरिंग पढ़ा होगा ना आपने फिजिकल ज्योग्राफी में, मेंडरस बनाती है जो नदी, तो मेंडरिंग बनाती हुई नदी है जो जंगल के चारों तरफ रहती है, तो आंध्री वो नदी का नाम है। और जो यहाँ पे टडोबा है वो वहाँ की भगवान है, गॉड है, वहाँ के जो ट्राइबल उनकी पूजा करते हैं। गॉड वर्शिप बाय ट्राइबल्स हु लिव इन डेंस फॉरेस्ट। देखिए, पहला स्टेटमेंट टडोबा के लिए है और तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे आंध्री के लिए। तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, हालांकि इसको थोड़ा पढ़ते रहिए, समझते रहिए, तो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ लोकस्ट आर फाउंड इन इंडिया? चारों की चारों स्पीसीज इंडिया में फाउंड होती है। लोकस्ट बहुत न्यूज़ में था, लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? जोधपुर में। डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चारों स्पीसीज लोकस्ट की भारत में मिलती हैं, खास करके इन चारों स्पीसीज का नाम याद रखिए। और एक बात और याद रहनी चाहिए, देखिए चारों जो है हमारे यहाँ पे मिलती है, 61% लोगों ने सही किया, अच्छी बात है, तो ध्यान रखिए। ये जब पैदा होती हैं तो फेज जो होता है इनका सोलिटरी होता है, अकेले घूमती हैं, झुंड नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम बाद इनका जो बिहेवियर वो चेंज हो जाता है और ग्रेगरियस फेज में आ जाती हैं, तब ये झुंड बना लेती हैं और काफ़ी कुछ लॉस यहाँ पे हो जाता है, तो इम्पोर्टेंट है इनको कंट्रोल करना, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने कमेंट किया पहले स्टेटमेंट के बारे में, वेस्टर्न घाट्स इज़ एन एक्सटेंटिव रीजन स्पेनिंग ओवर 6 स्टेट्स, 6 स्टेट्स में पास होता है ये, बिल्कुल। यूपीएससी ने पूछा भी है इस स्टेटमेंट पे सवाल, 6 स्टेट से गुजरती है वेस्टर्न घाट्स, क्रॉस करती है, जुड़ी हुई है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और हिमालय से ओल्डर भी है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 52% लोगों ने सही किया, करीब करीब 1000 लोगों में से आधे लोगों ने सही किया। पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट्स के बारे में, तो पता होना ही चाहिए। खैर, करते रहिए आगे, सॉल्व होता जाएगा। अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इको सेंसिटिव एरियाज आर लोकेटेड अराउंड नेशनल पार्क्स आर नोटिफाइड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। इको सेंसिटिव एरिया क्या होते हैं? इको सेंसिटिव ऐसे एरिया जो काफ़ी सेंसिटिव है। बायोस्फीयर रिजर्व नहीं होते आपके? बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ना, जिनमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं, तो इनके चारों ओर एक सेंसिटिव एरिया बना देते हैं। सेंसिटिव एरिया इसलिए बनाते हैं, जरूरी होता है। ऐसा है, एक तरफ जंगल, जंगल के इधर चले तो फैक्ट्री बिल्डिंग शुरू होगी, तो इस नेशनल पार्क का कोई मतलब है? ऐसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोई मतलब है जिसके खत्म होती बिल्डिंग शुरू होगी, फैक्ट्री शुरू होती और लोग शुरू हो गए, ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया? नहीं, कुछ तो एरिया बाउंड्री के बाहर ऐसा रहना चाहिए ना जो बफर के रूप में काम करे, इको सेंसिटिव एरिया हो, तो इसीलिए यहाँ पे इको सेंसिटिव एरिया आते हैं। नेशनल पार्क के चारों तरफ आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों तरफ आते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज के चारों तरफ आते हैं। इनको नोटिफाई करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नोटिफाई करती है, चाहे वो नेशनल पार्क के अराउंड हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड हो, करती यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट बच्चे कन्फ्यूज हो गए। उसमें लिखा हुआ है इको सेंसिटिव एरियाज आर लोकेटेड अराउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर नोटिफाइड बाई स्टेट गवर्नमेंट। नहीं बच्चों, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ही करती है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत करती है। और ये 10 किलोमीटर के बियॉन्ड और 10 किलोमीटर का एरिया होता है ये पूरा, मतलब नेशनल पार्क का जो 10 किलोमीटर का एरिया होता है बाहर की तरफ, वो इको सेंसिटिव एरिया होता है। और बियॉन्ड जा सकता है 10 किलोमीटर के, अगर लगे कि हाँ ज़रूरत है, ऐसा कॉरिडोर थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है तो 10 किलोमीटर के बाहर भी जा सकता है। हालांकि कुछ इसमें रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ भी है, कुछ प्रोहिबिटेड भी है। पढ़ते रहिए, नेट पर सर्च करिए, मिल जाएगा, और थोड़ा ध्यान रखिए। 28% लोगों ने सही किया, 977 लोगों में से, तो पढ़ते रहिए थोड़ा सा और ध्यान रखिए इसे क्वेश्चन का। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट लोयन सेंसस। लोयन सेंसस मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोयन सेंसस के बारे में करेक्ट ऑप्शन चूज करो। पहला है द सेंसस इज कंडक्टेड एवरी ईयर, नहीं, हर 5 साल में होती है। लोयन सेंसस पहली बार नवाब बाबू हैदराबाद करे थे, नहीं, नवाब बाबू जूनागढ़ किए थे। लोयन सेंसस हैज़ बीन नेवर डिलेड इन द पास्ट, कभी डिले नहीं हुई, नहीं हुई है, 3 बार डिले हुई है।
कई बार डिली हुई है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है, क्यों? ठीक है, याद रखिए, तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है। नवाब ऑफ जूनागढ़ ने की थी पहली बार 1936, मुझे ईयर याद नहीं है, कोई बताओ कमेंट बॉक्स में अगर याद हो तो, 1936 में की थी और 1965 से रेगुलर होने लग गई। तीन बार डिले हुई थी, डिले का ईयर मुझे याद नहीं है, हर 5 साल में होती है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, डॉल्फिन सेंसस कब कब होती है, टाइगर सेंसस कब कब होती है और एलिफेंट सेंसस कब तब होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बता दूंगा, पर पहले आप ट्राई कीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम 13 सितंबर के क्वेश्चन करेंगे, बहुत जल्दी मैं लाऊंगा, हो सके तो आज ही ले आऊंगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, ख्याल रखिएगा सब।